हेलो फ्रेंड्स, मैं सरसात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुल्फी की रेसिपी। ये कुल्फी हम बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ दूध का यूज करके, ना तो हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे और ना ही मिल्क पाउडर। और तब भी आप देखेंगे कि ये कुल्फी कितनी ज्यादा अच्छी बनेगी, टेक्सचर में भी और टेस्ट में भी। फ्रेंड्स, अगर मिलावट वाली ही खानी है तो बाजार में तो मिलती ही है, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको बिना मिलावट वाला अच्छा सा टाइम देकर उसको मन से और प्यार से बनाएं, जिससे उसका टेस्ट हमारे घर वाले कभी भूल ना पाए। तो मेरी इस रेसिपी में आप एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं आपके साथ छोटी छोटी बातें शेयर करूंगी जिससे रबड़ी का परफेक्ट टेक्सचर, परफेक्ट शेप कैसे मिलेगा, ये मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, बनाना शुरू करते हैं रबड़ी फालूदा। तो यहाँ पे सबसे पहले रबड़ी कुल्फी बनाने के लिए एक बहुत जरूरी चीज है कि हमें जो दूध लेना है वो फुल क्रीम लेना है। कभी भी गाय का दूध आप यूज ना करें, तो या तो आप जो डेयरी का दूध आता है भैंस वाला वो यूज करें, या फिर फुल क्रीम दूध यूज करें। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर अमूल का फुल क्रीम दूध लिया है। और जिस बर्तन में हमें कुल्फी के टेक्सचर को तैयार करना है वो नॉनस्टिक पैन आप ना लें। वैसे भी नॉनस्टिक पैन हेल्दी नहीं होता है, लेकिन यहाँ कुल्फी के लिए एक ऐसी कढ़ाई लें जो भारी भी हो और लोहे या एल्युमिनियम की हो। इसमें जब हम दूध को काढ़ेंगे, दूध को पकाएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली हैवी हो जाता है, तो उससे एक हेल्प मिलेगी हमारी रबड़ी कुल्फी के टेक्सचर को एनहांस होने के लिए। तो ये मैं कढ़ाई गैस पे रखती हूँ। और जो ये पैकेट वाले दूध होते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है कि ये बर्तन में नीचे चिपक जाते हैं, तो यहाँ पे बस मैं 2 चम्मच पानी डाल रही हूँ, जिससे कि जो दूध है वो हमारे कढ़ाई में या पतीले में बिल्कुल भी नीचे बॉटम पे स्टिक ना हो। वैसे तो ये 1 लीटर दूध है और छोटी कढ़ाई में भी हम इसको पका सकते थे, लेकिन अगर थोड़ी बड़ी कढ़ाई होगी तो आप मीडियम फ्लेम पे भी वो बाहर नहीं निकलेगा, और आप उसको कंटिन्यूस स्टिर करते हुए, कंटिन्यूसली चलाते हुए पका सकते हैं। अगर आप छोटा बर्तन या बिल्कुल एग्जैक्ट बर्तन लेंगे तो दूध के बाहर निकलने का डर है, तो इस रीजन से भी हमेशा बड़ा बर्तन आप लें अगर आप दूध को ज्यादा पकाना चाह रहे हैं। गैस की फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। अब हम इसको 2 से 3 उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें अच्छा बॉईल आ रहा है। इसको हमें बीच बीच में चलाते रहना है और जो साइड्स हैं उनको स्क्रेप करते जाना है। एक्चुअली जो इसमें मलाई आएगी उसको हमें वापस दूध में ही मिला देना है, जिससे कि जो हमारा कुल्फी का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल बाजार जैसा बनेगा, वो भी बिना किसी मिलावट के। तो आपको इसको बीच बीच में चलाना है, उबाल आएगा, उसको दोबारा से ऐसे मिक्स कर देना है। तो आप इसको सिर्फ कुल्फी ही ना बनाएं किचन में, आप अपने और भी काम करते रहें तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कुल्फी का मिक्सचर कैसे तैयार हो जाएगा। अगर आप सिर्फ खड़े होके इसी को ही चलाएंगे तो आपको जरूर लगेगा कि अरे 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, बना नहीं है। इस तरह से आप अपने टाइम को कैसे यूज कर सकते हैं खाने के साथ साथ इन चीजों को बनाने के लिए। तो ये छोटी सी एक टिप थी जिसको आप यूज कर सकते हैं, काम में आ सकती है आपके। तो मैं इसको कंटिन्यूसली चलाऊंगी जब तक कि ये 1/3 ना रह जाए, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमें इसके साथ क्या करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये काफी रिड्यूस हो गया है मिल्क पकाते हुए। और इस टाइम पे अब इसको, इस कुल्फी को थोड़ा सा डिफरेंट उसका बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए मैंने, बादाम और काजू, तो इनको मैं इसी टाइम पे ऐड कर दूंगी, क्योंकि जिससे कि ये अच्छे से पक सके, अच्छे से सॉफ्ट हो सके। अदरवाइज कुल्फी हमारी बहुत सॉफ्ट होगी और ड्राई फ्रूट्स अगर हमारे अच्छे से कुक नहीं होंगे तो वो थोड़े हार्ड टेक्सचर के फील होंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए जिससे कि अच्छे से पक सके। और इसी टाइम पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो ये 1/2 चम्मच इलायची पाउडर है मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो अगर आपको पसंद है इलायची का फ्लेवर तो आप इसमें डालें, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी। यहाँ पे मैंने 1/4 कप चीनी ली है, क्योंकि दूध ही गाढ़ा होते होते काफ़ी मीठा हो जाता है। और चीनी मैं यहाँ पे इस स्टेप पे इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि जब हम चीनी डालेंगे तो उसका भी पानी
काफी ज्यादा रिलीज होगा। जब चीनी गलेगी तो वो भी पानी छोड़ेगी, तो उस पानी को भी पकाना है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हमारा दूध गाढ़ा हो गया, चीनी मिलाई, एक उबाला लिया और कुल्फी तैयार। तो लेकिन जो पानी हमारा चीनी ने छोड़ा है उसको नहीं पकाया, तो हमारी कुल्फी की जो अभी तक हमने मेहनत करी है वो बिल्कुल पानी में मिल जाएगी। तो यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिपेंडिंग आप कितना स्वीट खाते हैं। तो इसको अब हमें अगेन पकाना है करीब 8 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छी थिक कंसिस्टेंसी का ना हो जाए। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस फॉर्म का आया है। आप अभी से ही देख सकते हैं काफी रिच कंसिस्टेंसी हो गई है, बिना कोई मिल्क पाउडर, बिना मलाई, मैंने इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ प्योर दूध की ये कुल्फी तैयार हो गई है। तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है कुल्फी की, मिक्सचर की, वो बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, इनफैक्ट जो उसका पानी ऊज आउट हुआ था, निकला था, वो उसको भी हमने अच्छे से पका दिया है। और अब हम इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा होने देंगे और फिर हम इसमें कुछ चीज़ें मिलाएंगे जिससे कि इस कुल्फी में चार चांद लग जाएंगे। और फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि जो साइड्स हैं उनको अच्छे से स्क्रेप करते हुए चलाते रहें। तो बस अब मैं इस टाइम पे अपनी गैस की फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको अब हम रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो हमारा ये कुल्फी का मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है और इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी 2 बूंद रोज एसेंस। तो कम्प्लीटली ऑप्शनल है क्योंकि मैं इसमें गुलाब की पंखुड़ी भी ऐड करने वाली हूँ। इस रीज़न से ये जो रोज एसेंस है ये इसके फ्लेवर को और ज़्यादा अच्छा कर देगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी नहीं है हमारे इसमें, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी हमारी बिना कॉर्नफ्लावर, बिना मिल्क पाउडर के ये मिक्सचर तैयार हुआ है कुल्फी का। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए। तो अब हम इनको मोल्ड्स में सेट होने के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे इस टाइप के मेरे पास पेपर कप्स हैं, तो आप ये ले सकते हैं। इनफैक्ट मेरे पास ये वाले मोल्ड्स भी हैं जिससे कि मैंने कोन चाट बनाई थी, तो इनमें आगे छोटा सा होल था तो जिसको मैंने आटे से कवर कर दिया है, देखिए, जिससे कि ये अच्छे से सूख गया है। और जिससे कि मैं इसके अंदर कुछ डालूंगी तो वो यहाँ से निकलेगा नहीं। तो इस टाइप की जुगाड़ आप कर सकते हैं क्योंकि अगेन हम कुल्फी डेली तो बनाते नहीं हैं, तो मेरे पास मोल्ड्स नहीं थे तो मैंने इस तरह की जुगाड़ का काम किया है। तो मैं इस रबड़ी के मिक्स को इन कोन्स में फिल करूंगी। इसमें कोई वाटर क्रिस्टल्स नहीं आएंगे, आपको दोबारा चर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यही फ़ायदा है कुल्फी में और जो नॉर्मल वनीला चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम आप घर पे बनाते हैं, एक ही बार में ये सेट हो जाती है। यहाँ पे मैं स्टिक भी डालूंगी, लेकिन ये थोड़ी सी जब सेट हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें स्टिक लगाऊंगी, जिससे कि बच्चों को ये बिल्कुल कुल्फी वाला ग्लास में मैंने इसलिए रखा है जिससे कि ये जो कुल्फी के मोल्ड्स हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। मैं इसको हल्का सा टैप कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं हमारे चारों कुल्फी के मोल्ड्स तैयार हैं। इस तरह के पेपर कप्स में भी मैं इनको फिल कर लूंगी। अगेन आप कम्प्लीटली मिक्सचर को बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आने दें और उसके बाद ही इनको मोल्ड्स में डालें। जो पेपर कप्स हैं ये वैक्स्ड होते हैं अंदर से, कभी भी गर्म चीज़ इनमें ऐड ना करें। अगर आपके पास इन टाइप के कप्स नहीं हैं तो आप छोटी कटोरियों में भी इसको जमा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा गार्निश करूँगी कटे हुए पिस्ते के साथ, थोड़े से गुलाब की ड्राई पंखुड़ी है मेरे पास, जो गुलाब के फूल आते हैं घर में उन्हीं को ही मैं ड्राई करके उन लीव्स को स्टोर करती हूँ और जब मौका पड़ता है तो इस तरह से उनको यूज़ करती हूँ। इस तरह से हम अपनी पेटल्स को इन पे लगा लेंगे। इसी तरह मैं कुल्फी के उन पे भी लगा रही हूँ। मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, गुलाब की पंखुड़ी डाली है, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। लेकिन हाँ, ये देखने में जितना अच्छा लगता है और खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इन्हीं छोटे छोटे मॉडिफिकेशंस करके आप चीज़ों को और टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो हमारे ये
सभी मोल्ड्स बिल्कुल तैयार हैं। तो मैं इन चारों कुल्फियों को क्लिंग रैप से कवर कर दूंगी। आप इसको फॉइल पेपर से भी कर सकते हैं और इसी तरह पेपर कप्स को भी मैं इसी तरह से कवर कर दूंगी। ये हमारे बिल्कुल रेडी हैं मोल्ड्स फ्रीजर में जाने के लिए। तो मैं इनको प्लेस करती हूँ फ्रीजर में। तो आप चेक कर लें, जब कुल्फी अच्छे से फ्रीज हो जाए आप इसको निकालें। यहाँ पे स्टिक मैंने, जब मैंने आपको जैसे बताया था 2 घंटे के बाद जब ये हल्की सी जम गई थी तब मैंने ये स्टिक्स इंसर्ट कर दी थी इसमें। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, हल्की सी आपकी हाथ की ही गर्माहट से ये हल्की सी लूज हो जाएगी और फिर ये इजिली डीमोल्ड हो जाएगी। बस इसको हल्का सा हम इसको टिल्ट करेंगे और देखिए इसी तरह मैं सारी कुल्फियां डीमोल्ड कर लूंगी। मलाईदार, बस हल्का सा आपको लेफ्ट और राइट 2 बार ट्विस्ट करना है। तो बिल्कुल जैसे मार्केट में वो ठेला लगा के रखते हैं, देखते ही मन करता है खा।